को, सभी एडवांस्ड क्लास करने वाले सभी पार्टिसिपेंट्स को ओम शांति। तो आप सभी तो ऑलरेडी बहुत एडवांस्ड हैं, और नॉलेज मींस ग्रोथ। तो जब हम अपने जीवन में नॉलेज को अपनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि हमारी लाइफ में हर दिन कोई ना कोई प्रकार की ग्रोथ होती है, उन्नति होती है। एंड ये है हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ, और इस ग्रोथ के द्वारा ही हम अपने आप को इंटरनली बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। हम अपने आप को भरपूर कर सकते हैं। सो आज की जो मुरली है, टॉपिक जो है, थ्रू डिविनिटी हमें अपने जीवन को बहुत रॉयल बनाना है, डिवाइन बनाना है। तो ये डिविनिटी कैसे आए? फर्स्ट थिंग, जब हम अंडरस्टैंड करेंगे, जो आपके फर्स्ट लेसन्स हुए, दैट हु एम आई, दैट आई एम अ सोल, आई एम एन एनर्जी। बट नॉट ओनली आई एम अ सोल, बट आई एम अ डिवाइन सोल। सो व्हेन आई एम हैविंग दैट कॉन्शियसनेस दैट आई एम अ डिवाइन सोल, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो डिवाइन क्वालिटीज अपने अंदर इमर्ज होती है। बिकॉज जैसी आपकी स्मृति होगी, जैसी आपकी जो कॉन्शियसनेस होगी, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, जो आपने अपने अंदर कॉन्शियसनेस इमर्ज किया, उसी आधार पर आपके थॉट्स भी ट्रिगर होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सोचता है मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, तो उसी प्रकार की थॉट्स, उसी डायरेक्शन में उसके थॉट पैटर्न जाते हैं। इसी प्रकार जब मैंने ये थॉट लिया दैट आई एम अ सोल बट आई एम अ डिवाइन सोल, सो द मोमेंट आई कम इन टू द कॉन्शियसनेस ऑफ माई डिविनिटी, माई डिवाइन क्वालिटीज विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट इमर्जिंग। एंड सो दिस डिविनिटी इज बेस्ड ऑन नॉलेज, बिकॉज एक्चुअली वी हैव फॉरगॉटन दैट वी आर डिवाइन बीइंग। सो वी बिकम लाइक ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन दैट आई एम अ डिवाइन सोल, आई एम अ डिवाइन बींग। यू नो, आवर कॉन्शियसनेस हैज बिकम लाइक, ओ आई एम एन ऑर्डिनरी मे बी कॉर्पोरेट पर्सन, और एन प्रोफेशनल, और अ हाउस वाइफ, अ टीचर, डॉक्टर, वट एवर। सो माई कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज लाइक दैट। सो वेन माई कॉन्शियसनेस इज लाइक दैट, द थॉट्स दैट आर कमिंग इन माई माइंड आर ऑल्सो लाइक दैट। बट नाउ गॉड हैज गिवन अस दिस स्मृति, और इमर्ज दिस कॉन्शियसनेस विद इन अस दैट हु आर यू? यू आर जस्ट नॉट अ सोल, बट यू आर अ डिवाइन सोल। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट यस आई एम अ डिवाइन बींग, यू विल फाइंड दैट द डिवाइन क्वालिटीज विद इन यू विल स्टार्ट इमर्जिंग। I would like to, I remember a very good example about this, that there was a king, and his son, the prince, was a small child. He got lost into the in the jungle. For years together, they could not find that prince. After years passed, and one fine day, one person, when he went into the jungle, he found that prince. He found that boy, and he saw that there are some, instances, some things that that are familiar to the prince. So he brought that boy back to the palace, and he told the king that I have found the prince. So the king was very happy. So when the king went to meet the prince, when he started speaking to him and interacting with him, he became very unhappy. Why? Because
you know, he realized that this boy doesn't have any royal qualities, any qualities of the prince. So he went to the minister and he explained to the minister and he told her, I'm very worried. Now he has to sit on the throne. And, you know, his qualities are so, you know, like jungly qualities because he has been staying in the jungle for such a long time. So all his qualities are all those, you know, jungly qualities. So the minister said, don't worry. You just send him to me daily. So every day the prince used to go to the minister and the minister used to tell him only one thing. He used to ask him one question, who are you? Every day he would ask him this question, who are you? And every day there was one answer that I am the prince. I am the son of the king. I am the future ruler. So every day he started making him realize that who he is. He's a prince. He is a future ruler. He is to sit on the throne. So the moment, you know, those qualities started emerging, when the moment this thought started coming into his mind that I'm the prince, I'm the future ruler. So all his divine qualities, royal qualities started emerging within him. And he started understanding those qualities were already there. Only thing he had just forgotten and he was not using those qualities. Similarly, we souls in a very long journey of life. So we have totally forgotten our original identity. And now we can just see this present role as very ordinary human beings. Maybe just a role what we are being playing now. So only that is visible to us. And so all our consciousness, all our actions, interactions, behavior, the words we use are everything based on this limited consciousness of who am I physically just now in this present role. So now God opens our third eye of knowledge and he gives us an understanding that you are just not just an ordinary soul playing this role, but you have to see originally when you came into this world, you know, you were with all the divine pure qualities. We have ascended here with our innate qualities of peace, love, bliss, happiness, cheerfulness, goodness, which we have just forgotten. Like the prince, we have just forgotten what our qualities are. So what are the teachings of Murli? It is just, you know, it is said, it is a, you know, play between smriti and vismriti, remembrance and forgetting. So when the moment you remember your original form, you will start emerging. Like you, sometimes you see people when they go for fancy dress, you know, when it's children, they dress up as some character, you know, then they start talking like that, they start behaving like that, they start thinking like that, their dialogues are like that. The same way, similarly, you know, God is just reminding us that you are very pure souls. When you were in the soul world also, you were very pure in your original state. When you came to play a role also, you are in this form. But how long does this consciousness remain with us? So our efforts are throughout the day reminding ourselves to be in that conscious state. If a student is studying for engineering, he will, you know, he has that goal in front of him. This is what I have to become. And all his actions and energy is directed in that, towards that goal. Maybe a doctor, engineer, an actor, whatever he wants to become. And it's not that just when he will become an actor, he will play the role of the actor. In the process also, he again and again, you know, it reminds him that I'm an actor. I have to be a very good actor. And I have to attain this stardom, whatever his goals are. So, you know, God has given us a very high goal in front of us and to become very divine beings. And the divine beings are shown in the form of Devi Devtas. If you look at Devi Devtas, they are so ordinary. I mean, they are not ordinary. What is the difference between ordinary and divine beings? They look similar. If you see any divine beings or deity, they look very similar. But if you look at them very closely, you will find the qualities of peace, love, happiness,
bliss, everything is visible on their face, in their life. And the moment you remove all these qualities from them, they will become very ordinary. So soul, when it imbibes divine qualities, it automatically starts becoming divine. Divine beings doesn't mean that they have four hands or three hands, not that meaning. It means that the soul becomes divine. It attains a higher stage. The soul through its actions comes to a very lower stage. And the soul through his actions becomes like a deity in a very higher stage. So this knowledge is a process of making the soul very divine. So every time keeping this goal in front of us that I have to become like this deity, which in Bible has been mentioned that God made man in his own image. Man was made exactly like God, that is with all the godly qualities. But now we have lost those qualities. So when I'm reminding myself, I automatically start becoming that. It is a process. It's not just one day I think and it will happen, but it is a process. Like a person, a sculptor who's making very beautiful statues, he's constantly refining the creation, that statue, the eyes, the nose, everything is being so refined. So God is making us so beautiful like that, the inner personality. And that is the refineness. So divine virtue doesn't just mean a very gross sense, but it also means imbibing certain qualities which are there within us, drawing our attention towards those qualities. And the divine qualities are the ones that separate an ordinary human being from a divine being. So now, since we are all in the process, so every day we are receiving some teachings to become that deity, to taki hum wo devta ban sake, hum divine being ban sake. To isliye ye hamara ek purusharth hai, hamari ek process hai jisse hum ban rahe hain. And har roz हम इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं. तो आज की जो मुरली है, आज की जो टीचिंग है, उसमें बहुत सिंपल पॉइंट्स भी है, पर वो सिंपल जितनी सिंपल दिखती है उतनी ही वो गहरी पॉइंट्स भी है. तो आज हम एक एक वो मुरली की जो पॉइंट है वो हम एक एक सुनेंगे. मैं आई जस्ट स्टार्ट वन प्रेजेंटेशन, उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स जो है मुरली की मैंने उसमें से जॉट कर दी है. सो आई विल जस्ट शेयर दैट प्रेजेंटेशन आल्सो विद यू. Gulab bhai, can you see the presentation? Because I am on the phone. Can you see the presentation? हाँ दीदी दिख रहा है दीदी. Yeah. Okay. हाँ जी. अच्छा जो आज की मुरली है उसमें बाबा ने जो कहा है दीदी क्या जो है. Sorry for interrupt, but the screen is not showing the complete sentence, the top screen. Okay. I'll just read out that I'm also. Yes. मैं पढ़ भी लूँगी. ठीक है, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच. तो आज की जो मुरली है उसमें नहीं है, सच्चे दिल से एक बाबा को निरंतर याद करना है, सच्चे दिल पर साहेब राजी. आज के जो मेन सार है, सेंस है, दैट मुख से मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है. रिमेम्बरेंस, योग करना या मेडिटेशन करने के लिए एक्चुअली वर्ड्स
की जो कोई आवश्यकता नहीं है, सच्चे दिल से एक बाबा को निरंतर याद करना है, ट्रू हार्ट। जब ट्रू हार्ट होगा तो निरंतर मेडिटेशन करना हमारे लिए बहुत इजी होता है। एंड थर्ड इज जो सच्चे दिल है उस पर साहिब राजी होता है, माने परमात्मा उसमें खुश रहते हैं। अब क्वेश्चन आंसर में चार पांच जो मैं एक बार पढ़ती हूँ एंड देन वी विल गो टू द मेन पॉइंट्स। प्रश्न है, सबसे अच्छे मैनर्स कौन सा है, कौन से देवताई मैनर्स को तुम्हें धारण करना है। क्वेश्चन ये है कि सबसे अच्छे मैनर्स चरित्र कौन सा है, गुड डिवाइन मैनर्स कौन से हैं, एंड कौन से मुझे धारण करने हैं, इम्बाइब करने हैं। तो पहला कहा कि सदा हर्षित रहना बहुत अच्छा मैनर है। हर्षित रहना मीन्स चीयरफुल रहना। देवताएं सदा हर्षित रहते हैं, खिलखिलाकर नहीं हंसते हैं। आवाज से हंसना भी एक विकार है। तुम बच्चों को याद की गुप्त खुशी रहनी चाहिए। फैमिलियरिटी का संस्कार भी बहुत नुकसानकारक है। सर्विस की सफलता के लिए अनासक वृत्ति चाहिए। नाम रूप में नहीं फंसना है, बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए। इसी धारणा से जब सर्विस करते हैं तो दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, तो चेहरा भी हर्षित रहता है। अब इसमें चार पांच पॉइंट्स हैं, हम धीरे धीरे एक एक पॉइंट समझेंगे। जो बाबा ने कहा कि सदा हर्षित रहना है, सबसे अच्छा मैनर्स, फर्स्ट पॉइंट जो बाबा ने कही है, कौन सी मैनर्स है, डिवाइन मैनर है, देवी देवताओं में भी आपको दिखाई देता है, दैट इज बीइंग चीयरफुल। देवी देवताओं का चेहरा देखेंगे आप, सदा ही वो प्रसन्न रहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि सदा प्रसन्न कैसे रहते हैं, इतना ईजी है हमेशा इतना खुश रहना, तो हम वो बन रहे हैं। तो इसीलिए हमें क्या टेक्निक यूज करना है, टेक्निक एक है वो है हमारी नॉलेज, उसको इंक्रीज करना। नॉलेज एंड पावर, ये दो चीजें हैं जिससे आप देखेंगे कि हमारे अंदर चीयरफुलनेस आती है। वन मिनट, अगर हम चीयरफुल लाइफ में रहना चाहते हैं क्या करेंगे, बिकॉज नॉलेज तो बहुत अच्छा है कि हमें चीयरफुल रहना है, बट सारे दिन में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जो शायद हमें चीयरफुल रहने नहीं देती है। तो मुझे नॉलेज को हर सिचुएशन में यूज करना है, अर्थात मेरी बुद्धि को नॉलेज के हिसाब से ट्यून करना है कि ये सिचुएशन अब आई है। जब हम उसे एक पेपर की तरह देखते हैं, इसलिए जब हम रोज मुरली शुरू करते हैं हम अपने आप को एक थॉट दे, दैट हु एम आई, आई एम अ गॉडली स्टूडेंट एंड गॉड इज माय टीचर। कोई व्यक्ति मेरा टीचर नहीं है, बट द सुप्रीम ऑलमाइटी इज माय टीचर एंड ही इज टीचिंग मी एंड ही इज मेकिंग मी लाइक हिम। वो मुझे अपने जैसा बना रहा है। तो अगर मुझे उसके समान ऐसी मेरी हर्षित अवस्था रखनी है तो मुझे अपने आप को रोज ये टीचिंग्स देनी पड़ेगी, गॉडली टीचिंग्स, जिससे हम डिवाइन बन सकते हैं। आप लोग, मेरी स्क्रीन है ना ऑफ हो रही है, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ, कैन यू सी अभी? You're not able to see the presentation? Yeah, आपको भी नहीं दिख पा रहे हैं। अच्छा, your video is off. आपकी वीडियो ऑफ है। अब आ गई है दीदी, it's fine. Okay. Now we can see you. Okay. So, shall I share the presentation with you? Can you show the presentation? सपना बहन, आप कर लोगे presentation? हाँ जी, आप मुझे WhatsApp कर दीजिए दीदी। किसको भेजूं? आप मुझे कर दीजिए, अरुण कुमार बेगानी, मैं उनको फॉरवर्ड करता हूं। बिकॉज ये ऑफ हो रहा है एक्चुअली, इसलिए। हाँ, मुझे आप भेजिए, मैं अभी तुरंत कर देता हूँ। एक सेकंड। हाँ जी, मैं आपको अभी भेज रही हूँ।
मुझे मिल गया दीदी, अभी हो जाएगा. जी जी ओके. नाउ इज इट ओके? फाइन. यस. Can you all see the presentation now? Yes, it's just coming, Didi. Just coming. Yeah. Okay, so I'll just on this presentation here also. Okay, so we'll go to the first page. The presentation आ गई है, यहाँ पर भी आ गई है. हाँ जी, हाँ जी. Okay, तो इसमें है कि हमें जो cheerful हम कैसे रहें, और cheerful रहने के लिए जब आप अपनी life में knowledge को use करना सीखेंगे, जब मैं समझ में लगती हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, एंड स्टूडेंट के लाइफ में उसको अगर हर टाइम उसे कोई ना कोई एग्जाम देना पड़ता है, तब वो जाकर आगे बढ़ता है. विदाउट गिविंग एग्जाम्स वो आगे नहीं जा सकता है. ही हैज टू यू नो पास दोज एग्जाम्स टू एक्चुअली गो अहेड. तो वैसे ही हम अपने जीवन में सारी बातें जो भी आ रही, छोटी मोटी बातें आ रही है, और हमने संकल्प लिया कि मुझे आज अपना मूड ठीक रखना है, पर मेरे सामने कोई सिचुएशन आई एंड वो सिचुएशन को अगर मेरा देखने का एंगल मैं चेंज करती हूँ कि ये सिचुएशन मेरे लिए एक पेपर है एंड इस पेपर को मुझे पास, इस पेपर में मुझे पास होना है, तब ये मेरे थॉट, अगर मुझे एक ही थॉट रहेगा कि इस प्रकार से ही मुझे आगे जाना है एंड मेरा को मैं वो सब इमोशन से फ्री हो जाऊं. क्योंकि जब भी कोई इस प्रकार के हम थॉट्स में चले जाते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, मैं तो बहुत अच्छा चल रही हूँ, मैं तो बहुत पीसफुल हूँ, एंड फिर भी वो पर्सन मेरे साथ ऐसा चल रहा है, तो मेरा सारा जो है, हम कह सकते हैं हम फेल हो गए उस एग्जाम में. क्योंकि जहां मुझे उस पेपर को एक सेकेंड में क्रॉस करना था, वहां मैंने कितने सारे थॉट्स चलाए, मेरी वो स्थिति नहीं रही. कई बार तो बहुत लंबे समय तक हमारी अंदर वो डिस्टर्बेंस रहती है. तो नॉलेज को यूज करके कि ये एक पेपर है, ये मेरे लिए आई है, वो दैट पर्सन, द अदर पर्सन इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये सिचुएशन किसी के भी थ्रू मेरे लाइफ में आ सकती है, आज ये पर्सन है कल वो पर्सन है, लेकिन वो मुझे टेस्ट करने के लिए आई है, मैं कितना स्ट्रांग बनी हूँ, मैंने कितना इस नॉलेज को धारण किया है. बिकॉज कोई भी स्कूल में आप जाएंगे तो वहां पर थ्योरी होता है, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होता है. तो नॉलेज है हमारी थ्योरी, लेकिन प्रैक्टिकल्स उनको बार बार प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, तब वो पास होते हैं. केमिस्ट्री है या फिजिक्स है, अगेन एंड अगेन दे हैव टू डू देयर एक्सपेरिमेंट्स. सो सेम वे दीज आर ऑल एक्सपेरिमेंट्स, एंड इससे हम अपना इंटरनल चेकिंग करें कि वेयर एम आई ग्रोइंग स्पिरिचुअली, मैंने कौन सी क्वालिटी को इम्बाइब किया है इस इंसिडेंट के. समटाइम्स दैट इंसिडेंट में डिमांड दैट मैं टॉलरेट करूँ सिचुएशन को. Sometimes it may demand कि मैं full stop लगाऊं. Sometimes वो situation demand करेगी मैं वो बात को avoid करके चलूं. कभी वो situation demand करेगी कि मैं जो है अपने बुद्धि को withdraw कर लूं उस चीज से. तो मैंने उस समय क्या quality अपने अंदर imbibe किया, ये स्वयं की checking करना बहुत हमारे लिए जरूरी है, तब हम cheerful रह सकेंगे. इसलिए एवरी मोमेंट अपनी चेकिंग भी करना एंड साथ साथ जो है अपनी इनर पावर्स बढ़ाना. कई बार नॉलेज तो है लेकिन मेरे अंदर वो क्वालिटी को धारण करने की शक्ति नहीं है. तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, रियली परमात्मा को याद करते हैं जो सर्वशक्तिमान है, तो उससे हमें शक्ति मिलती है उस चीज को अपने अंदर लाने की. साथ साथ जो प्रश्न उत्तर में कहा कि दूसरी क्वालिटी जो हमें धारण करनी है, जिसने कहा सच्चे दिल पर साहेब राजी.
सच्ची दिल जिसकी होती है तो परमात्मा उस पर बहुत राजी रहता है। क्वेश्चन ये, परमात्मा क्या किसी से नाराज होता है? वास्तव में तो परमात्मा किसी से भी नाराज नहीं रहता है, लेकिन जैसे किसी को खुश करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, जो व्यक्ति हमारे साथ बहुत क्लोज है तो हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति खुश रहे, तो हम बहुत कुछ करते हैं और सामने वाला कहता भी आपने मेरा दिल जीत लिया। तो वैसे जो जो सोल्स बहुत साफ दिल होते हैं, सच्ची दिल जिनकी होती है, मे बी उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज नहीं होती है, उन लोग बहुत सारे टैलेंटेड नहीं होते हैं, वो बहुत स्मार्ट नहीं होते हैं दुनिया के हिसाब से, पर अगर उनकी इंटेंशंस अच्छी है, सच्ची दिल माना यार कोई स्थूल दिल की बात नहीं है, लेकिन जो जिनकी शुभ भावना होती है, जिनकी इंटेंशन बहुत प्योर होती है, जब हम कोई भी कर्म करते हैं अपने आप को चेक करें, मेरा इंटेंशन क्या है, इसमें मेरा कुछ सेल्फिश मोटिव है या इट इज ओनली ऑफ गिविंग। जब मेरी वो सेल्फिश सेल्फलेस मोटिव होती है, प्योर विशेस वाली मोटिव होती है, इंटेंशन ऐसी होती है, तो परमात्मा को राजी करना बहुत इजी होता है। इसलिए कहते हैं कि बोलों का भगवान कहते हैं, मतलब जो बोले होते हैं सच्चे दिल से, एंड हम जो है जैसे हैं, हम परमात्मा को अपने आगे रखें, अपने आप को प्रेजेंट करें, दिस आर माय वीकनेसेस, दिस आर माय स्ट्रेंथ। हम वो फॉल्स ईगो में हम रहते हैं तो उसकी दिल में हमें बहुत स्थान नहीं मिलता है। इसलिए ये सच्चाई जो है अपने जीवन में धारण करना बहुत जरूरी है, एंड जब उसको खुश कर लिया तो जिस उसकी तो सारी ट्रेजर्स एंड पावर्स ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी, उसके पास जो भी खजाना है वो भरपूर आपके ऊपर उठाएगा, बिकॉज आपने किसको खुश किया है, आपने उस परमात्मा को खुश किया है सिर्फ एक क्वालिटी से, वो है अपनी दिल को सच्ची रखना। थर्ड क्वालिटी जो परमात्मा ने आज बताई है कि गुप्त खुशी में रहना है, खिलखिलाकर जोर जोर से हंसने की जरूरत नहीं है। वो हैप्पीनेस में सिर्फ आप बाहर से हंसे तो वो बात नहीं है, लेकिन मेरी मोर देन दैट मेरी इनर हैप्पीनेस कितनी है। कभी आप डेटीज को देखते जोर जोर से हंसते हुए, नो, एक साइलेंस, एक इनर एक हैप्पीनेस होती है उनके अंदर, एक इनर खुशी रहती है उनके अंदर, एंड वो हैप्पीनेस जो है ना वो बहुत सेटल होती है। एक व्यक्ति जो है ना वो बहुत डिप्रेस था, बहुत अपसेट था, तो एक डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर को कहता है कि मैं जो है बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मेरे जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, बहुत सारी चीजें बता रहा है। तो डॉक्टर उसको कहता है कि देखो तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुम जो है ना अपने जीवन में हंसना भूल गए हो, इसीलिए तुमको जो है ना जीवन में हंसना है, तो एक काम करो, यहाँ एक सर्कस है, वहाँ एक जोकर है, वो सबको बहुत हंसाता है, तो तुम वहां जाओ, उसकी शो देखो, तुम हंसना शुरू करोगे। तो वो पेशेंट डॉक्टर को कहता है कि डॉक्टर साहब मैं ही तो वो जोकर हूँ, तब जो व्यक्ति सबको हंसा रहा है लेकिन उसको खुशी नहीं है, मीन्स व्हाट? तो ये खुशी जो है वो कोई बाहरी खुशी की बात नहीं है, लेकिन इनर हैप्पीनेस, हमको आंतरिक खुशी हमारे अंदर कितनी है। जब हमारे अंदर वो आंतरिक खुशी रहती है, सो वट एवर सिचुएशंस आएंगी, वी विल लर्न एक्सेप्टेंस इन लाइफ, कि हर बात को एक्सेप्ट करके चलना। हमारे जीवन में डिफिकल्ट सीन्स आती है, हमारे जीवन में बहुत इजी सीन्स आती है, दोनों में मेरी बुद्धि बिल्कुल स्थिर है, हिल नहीं रही है, उसको ही रियल योगी कहते हैं, कि चाहे कैसे भी सीन्स है मेरे लाइफ में मुझे दिख रही है, लेकिन मेरी आंतरिक स्थिति ऊपर नीचे तो नहीं हो रही है। चेक करें अपने आप को, ये अपने आप को चेक करने की बात है कि मेरी इंटरनल अवस्था क्या है। एक पर्सन जो है वो उसकी ना ज्वेलरी की दुकान थी, और एक वर्कर आकर उसको कहता है कि ये जो स्पेसिफिक डायमंड है, बहुत कीमती डायमंड है, वो गुम हो गया है, वो मिल नहीं रहा है। तो वो एक मिनट आंख बंद करता है एंड फिर कहता है फैंटास्टिक, तो बहुत अच्छा, और वो चला जाता है। वो
जब दिन बीत जाता है, शाम हो जाती है, तो वो वर्कर वापस आकर उसको कहता है कि जो मॉर्निंग में जो डायमंड गुम हो गया था वो मिल गई है. फिर से वो ओनर आंख बंद करके सोचकर फिर कहता है फैंटास्टिक. उसने कहा कि सवेरे जब मैंने आपको ऐसा नेगेटिव न्यूज दिया तब भी आपने फैंटास्टिक कहा, और अब मैं आपको शाम को ये न्यूज दे रहा हूँ तभी भी आप फैंटास्टिक कह रहे हैं. तो वो उसको कहता है कि जब सवेरे तुमने नेगेटिव न्यूज दिया तब मैंने इमीडिएटली अपने आपने मन को चेक किया कि मेरी मन की अवस्था क्या है. तो मैंने देखा मेरी मन हलचल में नहीं आई है, इसलिए मैंने फैंटास्टिक कहा. एंड अब जब तुम आपने मुझे ये न्यूज दिया कि यू नो अभी मिल गया है, तो भी मेरा माइंड जो है बिल्कुल स्टेबल था, इसलिए मैंने फैंटास्टिक कहा. तो क्या हम अपनी ऐसी अवस्था बना सकते हैं कि चाहे डिफिकल्ट सिचुएशंस आए, चाहे अच्छी सिचुएशंस आए, फिर भी अपनी स्टेट ऑफ माइंड को ठीक रख सके. तो दैट इज इनर हैप्पीनेस एंड दैट विल कम विद एक्सेप्टेंस. जब हम एक्सेप्ट करना सीखेंगे व्हाट एवर इज हैपनिंग इन आवर लाइफ एंड चेंजिंग आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट, धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी बाहरी सिचुएशंस भी अपने आप फेवरेबल होती जाती है, चेंज होती जाती है. चौथा जो आज बाबा ने मुरली में जो बताया वो है कि किसी के नाम रूप में नहीं फंसना, अनइन्फ्लुएंस्ड रहना. कभी क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत लोगों से, एंड कभी हम अपने आप को कंपेयर करना शुरू करते हैं एंड बहुत लो फील करते हैं कि ये देखो ये कहाँ पहुंच गया और हम ऐसे हैं, या कभी बहुत ज्यादा यू नो हमारा माइंड टोटली कुछ लोगों की अच्छाई देखने में है. अच्छा अच्छी अच्छाइयां देखना इट इज वेरी गुड क्वालिटी, बट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड इज टोटली डिफरेंट थिंग. तो जब हम सोचे कि यस इस सोल में भी ये अच्छे गुण है, पर उसको ये क्वालिटीज देने वाला कौन है? परमात्मा जो है वो उसको ये क्वालिटीज ही इज द अल्टीमेटली सोर्स ऑफ दीज क्वालिटीज. तो जब मैं उसको उसकी ये डिविनिटी को देखूंगी, उसकी क्वालिटीज को देखूंगी एंड ये क्वालिटीज का जो सोर्स है उस पर मेरा फोकस रहेगा, तो मैं अनइन्फ्लुएंस्ड रहूंगी. नो मैटर पर्सन में कोई नेगेटिव क्वालिटीज भी है या कोई अच्छी क्वालिटीज भी है, तो भी हम अनइन्फ्लुएंस्ड रहेंगे. एंड नेक्स्ट क्वालिटी जो बताई है वो है अनासक्त रहना, डिटैच्ड रहना. जब हम एक्शन फील्ड ऑफ एक्शन में होते हैं, जब हम कर्म करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि कर्म करने से पहले हमें कर्म की चिंता होती है, कई बार कर्म करने के बाद कर्म की चिंता होती है. कर्म करने से पहले हम सोचते हैं पता नहीं मैं जो करूंगी अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा जो मैं कर रही हूँ, उसके लिए मुझे लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे. सो मेनी काइंड ऑफ थॉट्स हमारे मन में आते हैं, तो आप सोचो कि कितने वेस्ट थॉट्स चल रहे हैं. एंड कई बार कर्म करने के बाद भी सपोज हमने कुकिंग किया, हमने कुछ बहुत अच्छा बना दिया, एंड फिर करने के बाद भी हम सोचते हैं कि पता नहीं कैसा बना होगा, लोग खाएंगे अप्रिशिएट करेंगे नहीं करेंगे, तो ऑल दोस काइंड्स ऑफ थॉट. इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब हम कोई कर्म करते हैं, कर्म करते हुए भी हम डिटैच वे में लर्निंग टू डू योर एक्शन इन अ वेरी डिटैच्ड मैनर. Detached manner in the sense because we are karm yogi. Hum karm bhogi nahi hai. We are karm yogi. And we are not karm sanyasi also because we can't leave this field of action and go. Hum nirantar is field of action mein hai. Par jab hum apne office mein jate hain, karm kshetra par jate hain, to ek technique hai karm karne ka. Aur wo kya technique hai? Karm karte huye bhi karm se detached rehna. कर्म करते हुए डिटैच हम कैसे रह सकते हैं? क्योंकि कर्म का इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हमारे लाइफ में होता है कि कई बार हम सोचते हैं कर्म करते डिटैच कैसे रहें. जब आप कर्म करेंगे, जब आप सोचते हो फर्स्ट थॉट मैं एक सोल इस बॉडी के द्वारा, ये बॉडी इंस्ट्रूमेंट है, इसके द्वारा मैं एक एक्शन कर रही हूँ. I'm getting the work done through this body. जैसे एक मशीन होती है, मशीन को चलाते हैं, similarly मैं soul इस body के द्वारा action कर रही हूँ. ये एक thought. I'm doing the action नहीं, पर
मैं सोल इस बॉडी के द्वारा एक्शन करा रही हूँ. मैं एक छोटा सा आपको इंसिडेंट एक स्टोरी इसके बारे में बताऊंगी कि ना एक बार नारद जी ने विष्णु जी से पूछा कि आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है. तो नारद जी तो 24 hours नारायण नारायण कहते थे, तो नारद जी को यही लगा कि विष्णु जी तो मेरा ही नाम लेंगे बिकॉज मैं इतना फुल टाइम नारायण नारायण कहता हूँ. तो विष्णु जी ने नारद जी का नाम न लेते हुए किसी और का नाम लिया. तो जैसे ही उन्होंने उनका नाम लिया, नारद जी को अच्छा नहीं लगा, विष्णु जी को भी पता चल गया. तो विष्णु जी ने कहा नारद जी से कि आप है ना उस व्यक्ति से मिलकर आओ. तो जब वो मिलने गया तो वो देखा था एक बहुत साधारण किसान था. बातचीत में पता चल गया कि वो किसान ने कहा तो मैं तो सारा दिन खेत में काम करता हूँ, मैं तो एक्चुअली भगवान को याद करने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता है. हाँ लेकिन इतना जरूर है सवेरे और शाम में याद करता हूँ और मैं जो भी कर्म करता हूँ मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं अपने फैमिली के 4 मेंबर के लिए कर रहा हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मैं ये भगवान के लिए कर रहा हूँ. मेरा हर कर्म मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ. एंड दूसरा मैं ये सोचता हूँ कि जो ये कर्म हो रहा है परमात्मा मेरे द्वारा करा रहा है, मैं सिर्फ निमित्त हूँ. अब नारद जी ने ये दोनों बातें सुनी तो उनको लगा कौन से इसमें बड़ी बात है. तो फिर वो वापस आए, फिर विष्णु जी को पता चला वो अभी भी संतुष्ट नहीं है. तो उनको एक कहा, एक दिन बुलाकर कहा कि आप है ना तीनों लोकों में भ्रमण करके आओ. तो कहा ठीक है. लेकिन जब जा रहे थे तो उनको एक बाउल दिया और उसमें तेल था और कहा कि ये भी लेकर जाओ, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखना कि उसमें से एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए. तो नारद जी ने कहा ठीक है. वो तीनों लोग भ्रमण करके आ गए और जब वो वापस आए तो विष्णु जी ने उनसे पूछा कि आपने मैंने जो कहा वो काम किया. तो कहा हाँ मैंने किया. एक वो तीनों लोग भ्रमण करके आए तो कहा करके आए. अच्छा एक बूंद भी नहीं गिरा. तो कहा कि नहीं गिरा, एक बूंद भी नहीं गिरा. अच्छा तो तीसरा क्वेश्चन ये पूछा कि अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे याद कितना किया. नारद जी ने कहा कि मैं तो आपको याद कर ही नहीं पाया. क्यों? क्योंकि मेरा सारा ध्यान कहाँ था? मेरा सारा ध्यान था कि ये तेल का एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए. तो कहा कि अच्छा वो तो साधारण, अब मैंने तो तुमको एक ही काम दिया था फिर भी तुम मुझे याद नहीं कर पाए, और वो तो साधारण व्यक्ति है, उसको तो इतने सारे काम है फिर भी वो मुझे याद करता है, तो किसकी भक्ति श्रेष्ठ है. तो ऐसे ही भले हमें सारे दिन में बहुत हम बिजी हैं, हम ये भी कहेंगे कि हमको मेडिटेशन करने के लिए, हमें वो सब करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन अगर हम ये टेक्निक सीखते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं बीच बीच में हम उसको याद करें दैट वो मेरे से करा रहा है. वॉट एवर एक्शन, मैं अपने ऑफिस के लोग, ये कंपनी के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इस डिपार्टमेंट के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, बट वॉट एवर एक्शन आई एम डूइंग, सिंपल से सिंपल, मे बी एक सब्जी कटिंग का काम कर रहे हैं, एक फाइल लिखने का काम कर रहे हैं, टाइपिंग का काम कर रहे हैं, कंप्यूटर में काम कर, वॉट एवर वर्क आई एम डूइंग, ही इज गेटिंग इट डन थ्रू मी एंड आई एम ओनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ डूइंग हिज वर्क एंड वॉट एवर आई एम डूइंग इट इज फॉर हिम. सो यू विल फाइंड दैट ऑल योर एक्शंस विल बी इन द स्टेज ऑफ कर्म योगी. जैसे आप कर्म करते हुए भी आप डिटैच्ड है, क्योंकि आप कर्म करते आपके थॉट्स नहीं चलते. क्यों? क्योंकि कराने वाला कौन है? वो करा रहा है, तो आप करते हुए भी डिटैच्ड है. एंड किसके लिए आप कर रहे हो? उसके लिए कर रहे हैं. तो अदर पीपल्स रिएक्शंस एंड व्हाट एवर दे आर कमेंट्स विल नॉट मैटर मच टू यू. सो ये हमको प्रैक्टिस करनी. तो ये अभी जो 4-5 क्वालिटीज आपको हमने बताई वो है सच्ची दिल रखना, दूसरा है चेयरफुल बनना. चेयरफुल बनने के लिए कहा कि आप ज्ञान को यूज करो, अपने आप को हर परिस्थिति को एग्जाम के रूप में देखो जो भी बात आती है. सच्ची दिल रखना माना इंटेंशन आपकी अच्छी है, इंटेंशन चेक करो आपने. इनर हैप्पीनेस में रहो, नॉलेज का सिमरण करेंगे, नॉलेज कंटेम्पलेट करेंगे तो इनर खुशी रहेगी. अनइन्फ्लुएंस्ड रहो. अनइन्फ्लुएंस्ड कब रह सकेंगे? जब हम सोर्स के बारे में सोचेंगे कि इनको इक्वालिटी देना देने वाला कौन.
अनासक्त वृत्ति से डिटैच वे में कर्म करो, कर्म योगी की स्टेज में कर्म करो. एंड नेक्स्ट इज क्लीन इंटेलेक्ट. इंटेलेक्ट का मेन काम है डिसीशन लेना, स्वच्छ बुद्धि. जब मेरी बुद्धि स्वच्छ है, व्हेन योर यू नो इंटेलेक्ट इज क्लियर एंड क्लीन, योर डिसीशंस विल बी राइट. आज लोग सिक्स सेंस के बारे में बात करते हैं. सिक्स सेंस कब उनका वर्क होता है? जब उनकी बुद्धि बिल्कुल क्लियर है, शांत है. तो मेरी लाइफ में भी हर टाइम मुझे कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है. कैसे पता चलेगा वो डिसीजन राइट है? क्योंकि कई बार कोई व्यक्ति मेरे लिए आके डिसीजन नहीं ले सकता है, बिकॉज वो मेरे सिचुएशन में है नहीं. आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको 10 पेशेंट्स होंगे, 10 सभी कहेंगे कि मुझे बुखार है, लेकिन डॉक्टर हर एक को अलग अलग मेडिसिन देता है. सबको बुखार है लेकिन मेडिसिन डिफरेंट होते हैं. तो वैसे ही दूसरे लोगों को पता नहीं चलता कि मैं किस सिचुएशन में हूँ, व्हाट इन लाइफ आई एम गोइंग थ्रू. समटाइम्स मैं ही बता सकती हूँ, मैं यू नो ओनली आई कैन अंडरस्टैंड माय सिचुएशन इन लाइफ. तो इसीलिए मुझे वो डिसीजन, वो क्लैरिटी चाहिए. इसके लिए मेरी बुद्धि क्लियर होना बहुत जरूरी है. तो इसीलिए अपनी मेडिटेशन के द्वारा हम अपने बुद्धि को शांत एंड क्लियर रखना सीखे. जितनी बुद्धि स्वच्छ है, जैसे पानी स्थिर है तो आप गहराई तक देख सकते हैं, वैसे आपकी इंटेलेक्ट क्लियर है तो आपको क्लियर दिखेगा कि मुझे इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि मुझे याद का अभ्यास करना है. अब ये चीजें क्या करनी पड़ती है? हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है. प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. व्हेन यू डू समथिंग रेगुलरली, Not just once, but many times. जैसे बहुत बार मैंने कहा कि I am very unlucky, I am very unhappy, I am very stressed, I am very stressed. तो I am stressed के बजाय रोज मैं कहती हूँ I am blessed, I am blessed. तो वो vibrations भी change होते हैं, thoughts भी change हो जाते हैं. इसलिए हम रोज मैं सवेरे अपने आप को कहूँ कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ. अपने ये line note कीजिए and रोज आप morning में बोलिए कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ. एंड बार बार बोलिए. एवरी डे शुड स्टार्ट यू नो दिस थॉट, दिस एफर्मेशन हम अपने आप को दें कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ. एंड सच में आप भाग्यशाली बनेंगे बिकॉज यू आर टेकिंग योर माइंड इन दैट डायरेक्शन. इसीलिए अभ्यास करना, किस चीज का मैं अभ्यास कर रही हूँ. एंड जब कोई चीज अभ्यास हो जाती है, जैसे यू नो महाभारत में बताते हैं कि एक बार अर्जुन एंड यू नो जो पांडव थे जब बच्चे थे, तो एक बार रात को अर्जुन को बहुत भूख लगी तो वो किचन में आया. तो किचन में देखा तो ऑलरेडी भीम बैठा हुआ है एंड वो कुछ खा रहा है. अंधेरा था तो अर्जुन उसको पूछता है इतना अंधेरा है, देन ऑल्सो कि आपका यू नो भोजन जो है मुख में ही कैसे जाता है, आपका हाथ मुख में मुख तक ही कैसे जाता है, कान में या और कोई जगह कैसे नहीं जाता है. तो भीम उसको कहता है इस हाथ को अभ्यास हो गई है, प्रैक्टिस हो गई है कि ये हाथ जो है मुख तक ही जाएगा भोजन को लेकर. सो देन अर्जुन को वो यू नो पॉइंट स्ट्राइक हुई एंड देन ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करना शुरू किया. एंड अभ्यास करते करते उसमें परफेक्शन प्राप्त किया. सो वैसे ही एवरी डे जो है हम कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करें. सपोज हमने एक थॉट लिया दैट आई एम अ वेरी चीयरफुल सोल, तो बार बार वो थॉट दोहराओ सारे दिन में, मे बी 10 times, 20 times, 30 times. जब भी चलते फिरते आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं लो, आप सिंपल सिंपल चीजें लो, वन लाइन लो, आप जस्ट वन लाइन. एंड वो लाइन को लेकर आप प्रैक्टिस करो एंड बार बार उसको फील करो. इफ आई से दैट आई एम अ वेरी लक्की सोल, आई एम अ वेरी फॉर्चुनेट सोल, तो बार बार ये थॉट भी क्रिएट करो एंड साथ साथ आप फील भी करते चलो. तो जब भी आप कुछ भी काम कर रहे हैं, चलते फिरते ये थॉट मन में आप क्रिएट करो. जस्ट वन लाइन सेंटेंस, जो वन सेंटेंस की कुछ चीजें हैं, आप रोज की मुरली से उठाओ एंड रोज वो सारे दिन की प्रैक्टिस करो. एंड ये सिंपल प्रैक्टिस जो है आपको हेल्प करेगी. मे बी वंस यू नो वंस इन एन आवर, 10 minutes, 15 minutes, व्हेनेवर यू रिमेम्बर. सो यू कैन गो ऑन यू नो विद दोस काइंड ऑफ थॉट्स एंड जस्ट विद दैट वन प्रैक्टिस यू विल फाइंड दैट your mind is not you're getting more concentration and it is not being diverted in very different directions. Like and whenever you are then the moment you know ki aapko realize hoga ki mera mind hai na waste mein ja raha hai,
तो जैसे ही वो वेस्ट में जा रहा है ना, आप वापस उस थॉट को लेकर जाओ एंड इस एक थॉट को प्रैक्टिस करो. मे बी आई एम अ पीसफुल सोल, सिंपल, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, या मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ. तो एक दिन के लिए एक थॉट लो. कभी कभी कई लोग जो है दो दिन प्रैक्टिस करते एक ही थॉट को लेकर, कि वो फीलिंग में आना शुरू करे, वो हमारे यू नो बॉडी में वाइब्रेट करे वो थॉट, हमारे माइंड में वाइब्रेट करे वो थॉट, एंड वो फील करना शुरू करे. तो ये अभ्यास से होता है. जैसे स्टूडेंट भी कोई स्टडी होती है एग्जाम्स के पहले, तो बार बार वो पढ़ता है ताकि वो एकदम वो एग्जाम लिख सके, तो उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है. तो वैसे हमें भी ये स्टूडेंट लाइफ में कोई भी एक चीज को लेकर प्रैक्टिस करनी पड़े. नेक्स्ट इज माया. जो है बाबा ने आज कहा है कि माया जो है ना वो चूहे के जैसा है. जैसे चूहा जो होता है, वो चूहा जब आकर काटता है ना तो पता भी नहीं चलता है. सो यू नो कि माया हमारे लाइफ में, नेगेटिविटी हमारे लाइफ में कैसे आती है, हमको काट के चली जाती है. एंड कई बार वो काट के फिर वो बूंद यू नो जब चूहे के लिए कहते हैं वो फूक मार के काटता है, जैसे एनेस्थेटिक इफेक्ट देता है एंड वो काटता है तो मालूम नहीं पड़ता, बाद में पता चलता है. तो वैसे ही हमारे जीवन में कई ऐसी माया भी इसी रूप में आती है, चूहे की तरह आती है, माउस की तरह आती है, एनेस्थेटिक इफेक्ट देकर, एंड फिर बाद में हमको पता चलता है. इसलिए हम बच्चों को बहुत खबरदार रहना है. और इसलिए कहा अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो, बॉडीलेस स्टेज. व्हाट इज बॉडीलेस स्टेज? डिटैच्ड, जैसे अपने आप को एक सोल के रूप में देखना, दैट आई द सोल, आई एम एन एंटिटी डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी. एंड बीच बीच में मन को परम धाम में ले जाना, तब हमारी बॉडीलेस स्टेज की प्रैक्टिस होगी. हमने एक एफर्मेशन लिया कि जो मुझे सारे दिन में बार बार अभ्यास करना है. दूसरा, अपने मन को ड्रिल कराओ, टेकिंग योर माइंड टू द सोल वर्ल्ड एवरी टाइम. जैसे हम, आप कहीं दूर रहते हो, आपके घर से आप कहीं बाहर रहते हो, और तो कोई फॉरेन में रहते, विदेश में रहते हैं, तो वहां रहते हुए भी वो कई बार अपने दिन में अपने घर को याद करेंगे. कोई व्यक्ति जॉब के लिए कहीं चला गया, लेकिन उसको बार बार उसके अंदर से वो अपने घर से कनेक्टेड होता है, उसको बार बार घर याद आता है. तो वैसे ही वी सोल्स, हम परम धाम से आए हैं एंड वी हैव टोटली फॉरगॉटन यू नो दैट यू नो वी वर रेसिडेंट ऑफ परम धाम, वी हैव टोटली फॉरगॉटन दैट. सो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे तुम कहाँ से आए हो. You have come from the soul world, you have come from Paramdham, and now you are there in this world. तो बार बार अपने मन को Paramdham में ले जाने की drill करना, जैसे physical body को हम fit रखने के लिए drill करते हैं, तो वैसे ये soul की drill है जो mind को बार बार लेके जाओ Paramdham में. जैसे आप कोई बहुत अच्छी scenery देख रहे हो, आपने बहुत अच्छी hill station पर आप गए हैं, and इवन आफ्टर सिक्स मंथ्स आप बैठकर वो हिल स्टेशन के बारे में सोचते हैं, तो जैसे ही वो हिल स्टेशन के बारे में सोचते हैं आपको सब थॉट्स इमर्ज होगा, हम वहाँ गए थे, हमने इतना एंजॉय किया, हम बहुत मजा आया, यहाँ का मौसम ऐसा था, क्लाइमेट ऐसा था, एवरीथिंग. सो वैसे ही व्हेन यू रिमेम्बर परमधाम, व्हाट इज परमधाम? परमधाम इज अ वर्ल्ड ऑफ पीस, इट इज अ वर्ल्ड ऑफ साइलेंस, इट इज अ वर्ल्ड ऑफ मुक्ति, वेयर द सोल इज टोटली मुक्त, एंड अ प्लेस वेयर यू आर टोटली रिलैक्स्ड. So Paramatma says that you have to remember Paramdham, that is your soul world, and when you take your mind to the soul world, then you will start absorbing Didi, we are unable to see you. Hello, आवाज नहीं आ रही. हाँ गुलाब भाई, एक मिनट वेट करिए.
दीदी ने पूरा किया क्या लेक्चर? हेलो, ओम शांति। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी, पूरा हुआ? हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो डिस्कनेक्ट हुआ। हाँ दीदी, सुन रहा है दीदी, प्लीज गो। सो हियर व्हेन आई से दैट आई एम शिव शक्ति मींस आई एंड द सुप्रीम एम कंबाइंड एंड ऑल हिज पावर्स belong to me, I belong to him and all his powers belong to me. एक व्यक्ति अकेला होता है, शायद उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं होती है, लेकिन जब सुप्रीम की पावर उसके साथ होती है तो वो बहुत, उसकी यू नो मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाता है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है. तो सिंपल, जब मैं कहती हूँ मैं शिव शक्ति हूँ, तो आपका कोई फ्रेंड आपके साथ होगा, आप अकेले कुछ कार्य करते होंगे, तो मे बी आपकी एक लिमिटेड कैपेसिटी, आपका कोई फ्रेंड बहुत पावरफुल है आपके साथ, वो काम कर रहा है, तो आपकी काम करने की जो कैपेसिटी है उसका रिजल्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है. तो वैसे जब मैंने परमात्मा जो शक्ति है, शिव है, उसको मैंने साथी बनाया है, वो शिव शक्ति, मैं शिव शक्ति हूँ, माना मैं उसके साथ कंबाइंड हूँ, तो मेरे हर कर्म का रिजल्ट भी क्या होगा, वो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा. तो इसीलिए, क्योंकि उसकी शक्ति है मेरे द्वारा काम कर रही, मैं अकेले काम नहीं कर रही हूँ, वो शक्ति के द्वारा मैं काम कर रही हूँ. तो ये एक बहुत अच्छी बात आज परमात्मा ने कही, अपने आप को समझो मैं शिव शक्ति हूँ, माना मैं परमात्मा के साथ कंबाइंड हूँ. फिर आज बाबा ने सिंपल बात कही है कि कार्य करते हुए, भोजन बनाते समय याद करो, बहुत सिंपल, जैसे कहा कि यू नो थ्रू आउट द डे आप रिमेम्बर करो, कोई भी सिंपल कार्य करते हुए, इवन सिंपल काम है भोजन बनाना, whatever ordinary work you're doing, उसको वो ordinary, extraordinary बन जाती है. जब हम परमात्मा को याद करते हैं, वो कर्म योगी है, and वो simple work भी extraordinary कैसे बनती है. जैसे ब्रह्मा बाबा, जो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा थे, तो वो एक बार उनसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति मिलने आया, तो उस समय वो किचन में थे, एंड वो बहन ने आकर कहा कि बाबा आपसे कोई मिलने आए हैं. तो उन्होंने कहा कि आप उनको लेकर आओ मेरे से मिलने के लिए. तो कहा कि आप कैसे अभी मिल सकते हैं, आप किचन में देखो आपके कपड़े कैसे हो गए हैं, इस प्रकार से आप मिलेंगे, आप तो इतने बड़े संस्था के हेड है और इस रूप में आप मिलेंगे. तो कहा कोई बात नहीं, आप उनको बुलाओ. तो जैसे ही वो व्यक्ति ब्रह्मा बाबा के सामने आया, उसको ब्रह्मा बाबा न दिखाई देते हुए उनको ब्रह्मा बाबा से बहुत डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए. क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा बिल्कुल सिंपल कार्य करते थे, लेकिन सिंपल कार्य करते हुए भी उनकी स्टेट ऑफ माइंड बहुत हाई थी. तो वैसे ही, और उसके कारण वो एलिवेटेड स्टेट ऑफ माइंड में कार्य करते थे. तो वैसे ही हम सिंपल कार्य कर रहे हैं, इवन सिंपल टास्क कर रहे हैं ऑर्डिनरी थ्रू आउट द डे, बट कार्य करते हुए भी अपने माइंड को बहुत हायर स्टेट पे रखना. एंड नेक्स्ट इज दे रूप बसंत बनना है, माना नॉलेज को अपने जीवन में लाना है, एंड फिर वो नॉलेज को औरों के साथ शेयर करना है. फिर बाबा जी, और फूल की विशेषता क्या अंदर, तो हमारे अंदर कौन फ्रेग्रेंस है, ये हमारी डिवाइन वर्च्यूज की फ्रेग्रेंस है. वो फ्रेग्रेंस औरों को फैलाना है, कांटे नहीं देना है. कांटे माना हमेशा औरों को दुख देने वाले, चोट पहुंचाने वाले, परेशान करने वाले. जैसे परमात्मा कहते आप क्या बनो, परमात्मा क्या बनाने आए हैं, परमात्मा हमें फूल बनने के लिए आए हैं, फ्लावर बनाने के लिए आए हैं, और हम अभी फूल बनने के प्रोसेस में है. हम अपने डिविनिटी के द्वारा और फ्रेग्रेंस, हम ऐसे फूल बने जो परमात्मा के आगे हम चढ़ाए जा सके, तो ऐसा फ्लावर, ऐसा फूल हमको बनना है. एक और जो बहुत अच्छी परमात्मा ने हमें पॉइंट आज की मुरली में बताई है कि परमात्मा जो है ना वो हसीन मुसाफिर है, हसीन मुसाफिर है, और वो हमें हसीन बनाने के लिए आए हैं. भगवान कौन है? एक मुसाफिर, ट्रैवलर. एक्चुअली सोल भी ट्रैवलर ही ट्रैवलर है, लेकिन हम ट्रैवलर ट्रैवल करते करते थोड़े मैले हो गए हैं. परमात्मा भरे ट्रैवलर है,
लेकिन वो बिल्कुल प्योर है. तो परमात्मा जो प्योर ट्रेवलर है वो हमें भी किसके यहाँ क्यों आए हैं, हमें भी अपने जैसा बहुत हसीन बनाने के लिए आए हैं. तो मैं हसीन आत्मा हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं फूल बनने वाली आत्मा हूँ. ये सब परमात्मा ने आज मुरली में हमें सम्मान दी है. और मुरली की दूसरी एक पॉइंट है कि परमात्मा जो है ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है. और हमें उन्होंने लक्ष्य दिया है कि तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है. इसलिए स्वयं के अंदर कोई भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए. जब परमात्मा ओशन ऑफ नॉलेज इतना ईगोलेस है, इतना हम्बल है, तो हमें हमारे पास थोड़ा सा भी ज्ञान होता है, थोड़ा भी कुछ प्राप्ति होती है, हमें कितना ईगो आ जाता है. तो अपने ईगो को चेक करना कि मैं कहाँ तक मुझे किस चीज का मुझे अभिमान आया है. इसलिए वो दे अभिमान को तोड़ना बहुत जरूरी है. अपने अंदर बहुत चीजों का हमको नशा रहता है. एक सेल्फ एस्टीम अलग बात है, लेकिन वो ईगो में जब हम रहते हैं तो हम किसी को खुशी नहीं दे सकते हैं. एंड जितना हम सोल कॉन्शियस बनते हैं उतना ही हम सर्विस सेवा कर सकते हैं. जो व्यक्ति हम्बल है वही एक्चुअली रियली सेवा कर सकता है. एंड फिर परमात्मा ने कहा कि ये योग की अग्नि है. जैसे योग अग्नि होती है, जैसे अग्नि में कोई चीज डालो, सोना डालो, तो वो प्योरीफाई हो जाता है. तो वैसे ही हम जब परमात्मा को याद करते हैं तो इट इज लाइक अग्नि, यू नो. एंड वो अग्नि प्रज्वलित होती है, जिसको हम भट्टी कहते हैं. भट्टी में कोई चीज डालो तो वो परिवर्तन हो जाता है, वो प्योरीफाई हो जाता है. तो हम सब मेडिटेशन इज लाइक, इसलिए कहते हैं ज्ञान जल, पर योग अग्नि कहा गया है. एंड इस योग अग्नि से ही हम सोल, माना मेडिटेशन के द्वारा, जस्ट कनेक्शन ऑफ द सोल विद द सुप्रीम सोल विल प्योरीफाई यू. जस्ट ओनली रिमेम्बरेंस, बाबा ने सिंपल कहा है, मुझे याद करो एंड यू विल बी प्योरीफाइड. The only technique, you know, very simple technique is when you remember, the soul starts becoming pure. And in last today's blessing is that be like lotus flower, detached, you know, lotus flower ki tarah kya raho, detached from dirt. Parmatma ne baar baar humko kaha, sabhi devi devtaon ke haath mein aap dekhenge lotus flower zarur hota hai. So they have made their lives, you know, so Shiv Baba says that you have to make your life like lotus flower. So lotus flower jo hai wo kichad mein rehta hai, lekin kichad mein rehte hue bhi wo kichad usko sparsh nahi karta hai. And that is the life of karma yogi. When your yog is combined, you know, in all your karma, when you're totally in the stage of a karma yogi, other things are not if you, when you're of your karma, when you're doing your actions like lotus, so lotus dar rehta hai, kichad mein rehta hai, lekin kichad usko sparsh nahi karta hai. So karma yogi man, in other words, being karma yogi mana mujhe karma karna hai, mujhe karma karna hai, wo humko feel na ho, lekin मैं कर्म करते ही लाइट रहे. मैं ये मुरली की जो पॉइंट है मैं आपको उसी वर्ड्स में पढ़कर सुनाऊंगी, क्योंकि बहुत अच्छी जो बाबा के शब्द है वो बहुत अच्छे शब्द है. जॉर्ज बाबा ने कहा, कर्म कमल समान रहते माया की कीचड़ से सेफ रहने वाले कर्म योगी भाव. कर्म क्षेत्र पर कमल फूल समान कैसे रहना है, कर्म पर कमल फूल के समान रहना है. और जब हम कमल फूल के समान रहेंगे तो माया की कीचड़ से सेफ रहने वाले हम कर्म योगी हैं. कर्म योगी को ही दूसरे शब्दों में कमल पुष्प कहा जाता है. कर्म योगी माना उसका लाइफ जो है कमल पुष्प के समान है. कर्म योगी अर्थात कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो. कर्मयोगी अर्थात कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो. किसी भी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया का वाइब्रेशन टच ना हो. यहां बाबा ने कहा कि किसी भी कर्म का बोझ भी अनुभव ना हो. मैं जो कर्म कर रही हूं मुझे बर्डन लग रहा है या मुझे ब्लेसिंग लग रहा है,
अपने आप को पूछो, मुझे वो थॉट आता है ये करना है। कभी कभी काम बहुत छोटा होता है, ये काम करना है, लेकिन हमने उसके लिए बहुत थॉट्स क्रिएट किए, मुझे ना ये काम करना है। मान लीजिए मुझे एक पेन लेकर ये टेबल से वो टेबल में रखना है, एक फाइल लेकर ये टेबल से वो टेबल में रखना है, लेकिन बार बार मैं सोच रही हूँ मुझे ना ये काम करना है, मुझे ना ये कर्म करना है। जब बार बार मैं कर नहीं रही हूँ, सिर्फ बैठ के सोच रही हूँ, तो वो मुझे बोझ लगता है। तो इसलिए मुझे कर्म बोझ नहीं अनुभव हो, लेकिन मैं एक कर्म योगी की तरह ब्लेसिंग्स के द्वारा, परमात्मा के ब्लेसिंग्स के द्वारा ये कर्म कर रही हूँ, ये फीलिंग के साथ कर्म करें। और दूसरा जो है हमारी वीकनेस जो माया, इसको कहते हैं माया मीन्स हमारी वीकनेसेस। जब हम ये वीकनेसेस को खत्म करेंगे तो माया अपने आप खत्म हो जाएगी। एंड माया कैसे खत्म हो जाएगी, वीकनेसेस हमारे अंदर कैसे खत्म होगी, जब हम मुरली सुनेंगे। मुरली क्या है, मुरली इज फूड फॉर द माइंड। तो रोज की जैसे हम भोजन खाते हैं एंड उस भोजन से हम शक्तिशाली बनते हैं, तो वैसे आत्मा भी, द सोल बिकम्स पावरफुल बाय लिसनिंग टू डेली मुरली। तो आप रोज मुरली की कुछ पॉइंट्स, ज्यादा नहीं तो 3-4 पॉइंट्स जो है रिवाइज करो, 4-5 पॉइंट्स अपने नोटबुक में लिखो एंड सारे दिन में वो पढ़ते रहो, 4-5 पॉइंट्स की आज की मुरली में क्या मेन पॉइंट्स बाबा ने आज कही है। एंड तब ये मनन शक्ति से क्या होगा कि हमारी सोल शक्तिशाली बनेंगी। इससे हमें कमल फूल फूल समान बनना है और कर्म योगी हमको जरूर बनना है। एंड मुरली रोज हमको मिस नहीं करनी है, जरूर पढ़नी है। एंड लास्ट जो है आज का स्लोगन है कि सफलता की चाबी द्वारा सर्व खजानों को सफल करना ही महादानी बनना है। कि आप अपने जो ट्रेजर्स हैं, कौन से ट्रेजर्स हैं, नॉलेज है आपके अंदर, पीस है, लव, हैप्पीनेस, तन मन धन, वट एवर ट्रेजर्स हैं, आप जब यूज करेंगे, जब वो ट्रेजर्स को यूज करेंगे, वो ट्रेजर्स आपके जीवन में बढ़ेगी। एंड जब वो ट्रेजर्स बढ़ेगी तब आप दूसरों को दे सकते हैं, तब आप महादानी बनेंगे। दूसरे ट्रेजर्स कई बार हम यूज करते हैं वो फिनिश हो जाते हैं, लेकिन ये सटल ट्रेजर्स ऐसे हैं जो आप जितना यूज करेंगे वो आपके जीवन में बढ़ता जाएगा। एंड जब वो बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन से औरों तक भी वो फ्लो होगा। तो आज की जो मुरली है उसमें विशेष बाबा ने कई बातें बताई, जैसे कि हमको हर्षित मुख रहना है, सेकेंड इज सच्चे दिल पर साहेब राजी, और फिर चीयरफुल, जो चीयरफुलनेस, इनर हैप्पीनेस, आंतरिक खुशी में रहना है, और अन इन्फ्लुएंस्ड रहना है, नाम रूप में नहीं फंसना है, अनासक्त होके कर्म करना है, एंड स्वच्छ बुद्धि, अपनी बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। फिर ये याद रखना है कि अभ्यास करना है, अभ्यास भी रोज करना है, एंड अशरीरी बॉडीलेस स्टेज प्रैक्टिस करो कि मैं आत्मा परम धाम से आई हूँ, मुझे परम धाम वापस जाना है, मैं शिव शक्ति हूँ, ये प्रैक्टिस करो। एंड फिर हम ट्रैवलर हैं, जैसे हम ट्रैवलर हैं परमात्मा भी ट्रैवलर है, जो हमें बहुत हसीन बनाने के लिए आए हैं। एंड परमात्मा सदा ही मैं और परमात्मा कंबाइंड हूँ, इसलिए मेरा हर कार्य सफल है। भोजन बनाते समय भी आज बाबा ने कहा कि याद में भोजन बनाओ, अभिमान को तोड़ना है, फिर कहा फूल बनना है आपको, बहुत खुशबूदार फूल बनना है, कांटे नहीं बनना है। और दूसरा कहा कि हमारा एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनना, और ज्ञान योग में हमें मस्त रहना है, स्वदर्शन चक्रधारी रहना है। एंड फिर वरदान में कहा हमें लोटस जैसा बनना है, लोटस जैसा बनना माना डिटैच फ्रॉम डर्ट, कर्म योगी बनना है, कर्म का बोझ नहीं हो, कर्म योगी बन के कर्म करो, और मुरली रोज सुनो। मुरली रोज सुनने से वीकनेसेस खत्म हो जाएगी, आत्मा शक्तिशाली स्ट्रांग बन जाएगी। एंड जब हम अपने ट्रेजर्स को राइट वे में यूज करेंगे तब हम सफलता को प्राप्त करेंगे, आप वो ट्रेजर्स दे सकेंगे, औरों को भी देकर आप महादानी बनेंगे। तो इसमें मुरली के कुछ जे पॉइंट आप अपने उसमें प्रैक्टिस करो, एंड ये स्लोली आपके लाइफ में बहुत अच्छा परिवर्तन आ रहा है। एंड हम जो हमारा जो ऊंचा लक्ष्य है उसकी ओर हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, एंड आप भी परमात्मा बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर बन रहे हैं। थैंक यू। बोलो बोलो।